गुड मॉर्निंग फोर्थ ईयर्स वंस अगेन वी आर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडलिटीज ऑफ डायग्नोसिस वी वर इन दी इन्वेसिव टेस्ट आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर uh, पढ़ा होगा देखा होगा uh, जिसमें मैंने इन्वेसिव uh, टेस्ट और नॉन इन्वेसिव टेस्ट के बारे में बताया था इन्वेसिव क्या होता है और नॉन इन्वेसिव क्या होता है तो इन्वेसिव के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं एक बार फिर से रिवेशन आपके माइंड में डाल रही हूँ इन्वेसिव मीन्स जिसमें हम निरिल uh, करके या फिज़िकल इंजोर्ड करके या रब्चर करके हम जो टेस्ट करते हैं दैट कम्स अंडर दी इन्वेसिव टेस्ट एंड नॉन इन्वेसिव टेस्ट मीन्स जिसमें हम जस्ट ऑन ऑब्जरवेशन और पालपेशन एंड ऑल दैट फिज़िकल एग्जामिनेशन वी डू द प्रोसीजर्स दैट सो वी आर इन दिन सो थर्ड वन वॉज एम एस ए पी दैट ऑल्सो कॉल द मैटरल सीरम अल्फाफी मैटर अल्फा फीटो प्रोटीन नाम से पता चल रहा है इसमें विल टेक दीरमल ब्लड ऑन दैट वी विल चेक दी लेवल ऑफ अल्फा फीटो प्रोटीन ओके सी व्हाट इज़ एम एस एफ पी समाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल दी एम एस एफ पी एंड मैटरनल सिलम फीटर प्रोटीन ऑल्सो सी टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द टेस्ट इज आफ्टर फिफ्टीन टू एटीन वीक्स हमेशा पंद्रह से अट्ठारह वीक्स के बाद में ही इसको करना है बिफोर इसके नहीं अपन को ये टेस्ट कर करना है ठीक है इन अल्फ़ा फीटो प्रोटीन टेस्ट ऑफ मेटरनल सिरम एंड एम फ्लू इज डन इन अल्फा प्रोटीन जब ये टेस्ट करते हैं तो मेटरनल सिरम लिया जाता है और मैटरनल ब्लड कलेक्ट करके मेटरनल सिरम से हम यह टेस्ट करेंगे एमनोइटिक फ्लूड एमनोटिक फ्लूड भी uh, लिया जाता है ताकि uh, इसमें फीटस का भी हमको आइडेंटिफिकेशन कर सकें ठीक है इट इज़ डन इफ द वुमेन इज़ हैविंग बेबी विद द न्यूर हाँ मेन पर्पज़ ऑफ दिस एम एस एफ पी इज इफ द पेशेंट इफ़ द वुमेन इज़ हैविंग बेबी विथ न्यूरल ट्यूब जैसे सोनोग्राफी से आपको पता चल गया कि पेशेंट इज हैविंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और अदर टाइप ऑफ कंजेनाइटल डिजीजेज तो देर इज ए कंपलसरी टू डू दिस एम एस एफ पी मीन्स इट इज द पर्पिज ऑफ एम एस एफ पी इन द केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड द कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज में हमको ये टेस्ट uh, करना है इफ़ फीट इफ़ अल्फ़ा फीटो प्रोटीन लेवल इज़ हाई सी नॉर्मल लेवल ऑफ दी अल्फ़ा फीटो प्रोटीन इज इट शुड बी लेस देन टेन एन जी पर एम एल टेन नैनोग्राम पर एम एल होना चाहिए आइदर लेस देन टेन एन जी पर एम एल ओके और इफ़ दी लेवल इज़ हाई तो इट इंडिकेट दी फीटल पैथोलॉजी इसका मतलब है कि फीटर्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं फीटस आर ए, ए, किसी डिजीज कंडीशन में है केस ऑफ दिस फीटो प्रोटीन लेवल इज लो तो ये सजेस्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम तो बेबी को डाउन सिंड्रोम के चांसेस रहते हैं तो इसका इस लेवल का हाई इस लेवल का हो लो होना दोनों आर इन दी uh, पैथोलॉजिक कंडीशंस ठीक है इन सर्टेन केसेस दी एम एस एफ पी लेवल इज इंक्रीज सच एस मल्टीपल प्रेगनेंसी हाँ मल्टीपल प्रेगनेंसीज के केस में और या फिर कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग गेस्टेशनल एज जैसे कभी कभार कोई वुमेन को एलएमपी पी नहीं पता है डेट में वो कन्फ्यूज़न uh, हो रही है तो ऐसे केसेस में रॉन्ग uh, कैलकुलेशंस के कारण um, लेवल हम एक्यूरेट नहीं बता पाते हैं ठीक है इन केस ऑफ ओपन न्यूरल ट्यूब ऑफ रॉन्ग एस्ट्रेशन एज इस केसेस में भी इज़ ए कैलकुलेशन ऑफ दिस लेवल इज थोड़ा टफ हो जाता है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था रीनल लैब नॉर्मिलिटीज एक्सेट्रा आर दी मेन पर्पसेस ऑफ डूइंग दिस एम एस एफ पी so this was about the uh, msafp next we'll see about the nursing assessment key what is the nursing role uh, in this type of um, test first we'll see the obtain health pregnancy health and pregnancy history definitely it is our first duty to obtain the uh, history of the patient about the pregnancy and about the health uh, we'll ask hamesha will ask a woman for lmp and will calculate edd and gestational age ठीक है तो ये हम जैसे ही एल हमको मिला हम ई काउंट करके वुमेन का गेस्टेशन एज निकालते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि वुमेन अगर भूल भी गई है काउंट करना कि मेरे को अट्ठारह महीने चल रहे हैं सत्रह महीने चल सॉरी आठ महीने चल रहे हैं छः महीने चल रहे हैं तो हम उन हमें उनकी बातों पे बिलीव नहीं करना वी जस्ट आइडेंटिफाई वी जस्ट आस्क फर्स्ट एल और फिर हम इस एल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे कि वुमेन को कितना महीना चल रहा है और कितना वीक्स चल रहा है ओके <coughs> सो वे लास्ट दी प्रेगनेंसी हिस्ट्री इंक्लूडिंग द एल एम पी एंड रिस्क फैक्टर रिस्क फैक्टर पूछेंगे कि आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर पहले कोई किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं हुई है या फिर पहले की प्रेगनेंसी में आपको इस टाइप की कुछ दिक्कतें आई थी क्या जो आपको सोनोग्राफी में देखने को मिल रहा है तो वे लास्ट अबाउट दिस थिंग्स कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है अभी करेंट प्रेगनेंसी में <coughs> नेक्स्ट विल लास्ट की बहुत दी पर्पसेज एंड प्रोसीजर हम जो भी एक्सप्लेन जो भी हम आ, करने वाले हैं उस उस प्रोसीजर का पूरा पर्पस एक्सप्लेन करना है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ताकि वो क्योंकि शी इज़ हैविंग ए प्रेगनेंसी विथ एब तो नॉर्मल प्रेगनेंसी इट्स सेल्फ इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड और अगर साथ में इफ़ देर इज एबनॉमेलिटी तो वुमेन विल बी वेरी एंशियस कि उसका बेबी ठीक है कि नहीं तो ऐसे कंडीशन में वी द नर्सेज द ओनली वन हु कैन गिव दी बेस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू ए वुमेन तो इसमें आपको पीछे नहीं रहना यू हैव टू गिव दाइकोलॉजिकल सपोर्ट नेक्स्ट विल सी डिस्कस पेशेंट कंसर्न विल आस्क द पेशेंट कंसर्न की वेदर शी इज एग्री फॉर दी दिस टेस्ट कि नहीं हमेशा ए, ए कोई प्रेग्नेंट वूमेन पे आप ऐसे कोई सभी प्रोसीजर करने के लिए नहीं जा सकते फर्स्ट यू विल कलेक्ट हर कंसर्न उसके बाद ही आप यू विल डू फॉर एनी अनदर प्रोसीजर्स ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट दी एम एस एफ पी नेक्स्ट विल सी दी कॉडोसेंटेसिस कॉडोसेंटेसिस सम वर्ट नेम से ही uh, आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा cordo means the cord which is connected from the mother to fetus that we call the umbilical cord okay cordo synthesis is the procedure in which we collect the blood we collect the sample from the percutaneous umbilical blood <clears throat> percutaneous see the uh, image here you can see uh, the this is baby एंड दिस इज द्लेसेंटा एंड सी यू कैन एबल टू सी जूम नहीं हो रहा है चाहिए सी ये जो uh, बेबी से अम्बेलकस कनेक्टेड है दिस इज वेरी टाइनी लेयर सी यू कैन सी दिस वन दिस इज़ वेरी टाइनी लेयर और कॉड यू कैन से बहुत ही दहागे के जैसे हैं यहाँ पर इमेज में कम दिख रहा है बट दैट इज़ इनफ होता है वो कॉर्ड जैसे ही होता है तो दिस इज़ दी अम्बिलिकल कॉर्ड मदर और बेबी दोनों को कनेक्शंस करने के लिए दिस कॉर्ड इज दी ओनली ब्रिज और हियर विल यूज़ हियर विल यूज़ दी ट्वेंटी फाइव गॉड्स स्पाइनल निडल और थर्टी सेंटीमीटर इन लेंथ को विल इंसर्ट इन दी एबडोम एंड यूट्राइन वॉल अंडर दू एसेंस यू गाइडेंस के हेल्प से विडल इन दी एबडोम एंड यूट्राइन वॉल और देन कलेक्ट दैम्पल ओके द निडल टिप इज सी द निडल टिप इज प्रोग्रेस एंड पंक्चर दी अम्बिलिकल वेन हाँ यहाँ पे आपको ईजिली दिख जाएगा अम्बिक अम्बिलिकल वेन को पंक्चर करके वहाँ से वी आर कलेक्टिंग दैम्पल अप्रोक्सीमेटली वन टू टू सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लसेंटा इंसर्सन प्लेसेंटा के साइड से वन टू टू सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लसेंटा इंसर्सन होता है इट कैन भी डन आफ्टर एटीन वीक्स ओनली अट्ठारह वीक्स के बाद भी आप ये प्रोसीजर्स करोगे क्योंकि इन समाइम्स द कैरियोटाइप जो वट ड यू मीन माई कैरियोटाइप्ड कैडियोटाइप मीन्स इफ देर इज एनी क्रोमोजोमल एबसेंटिजम और प्रेजेंस इफ देर इज एनी क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज अगर होता है तो वी कैन ईजीली वी कैन सी दी देट प्रॉब्लम्स विद इन ए ट्वेंटी फोर आवर्स तो दिस इज़ अ बेस्ट प्रोसीजर टू ऑप्टेन एनी एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी दैट कम्स बाई दी क्रोमोजोमल प्रॉब्लम्स ओके सो नेक्स्ट इज टू कलेक्ट ब्लड Hmm. to collect blood, uh, to establish the normal fetal uh, blood value throughout gestation, to evaluate the hb concentration of rhm. these are the procedures. Ki humko, um, kya, kya reason se, uh, we collect the data. See, see, this image is very clearly identified. Uh, this is the placenta. you will be able to see this is the placenta. and this is the baby. B baby is situated with the placenta. and this is the connection of ऑल दी न्यूट्रिएंट्स इसी के कॉर्ड के थ्रू ही प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटा ऑल दी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करता है वाया दिस कॉर्ड ओके दिस इज द कॉर्ड सी दिस इज़ द कॉड और इसी कॉड से इसी प्लेसेंटा के थ्रू और देखो निडल इज़ इंसर्टेड इन दिन टू दी प्लेसेंटा जहाँ पर आपको वैन यहीं से वैन और आर्ट्रीज यहीं से डेवलप होती हैं और जो इस कॉड में बेबी तक पहुँचती है तो इसी कॉड में इसी वैन में हमको इंसर्ट करना है अपना निडल ताकि हमको उस वैन से हमको ब्लड मिल सके उसी ब्लड का आपको सैम्पल टेस्ट करना है ओके okay? Uh, next is uh, in what cases and what are the purposes of doing this uh, chordosynthesis is uh, to diagnose the fetal blood. एबनॉमलिटीज़ uh, बहुत सारे फीटर ब्लड एबनॉमिलिटीज़ होते हैं जैसे फीटर्स में भी ब्लड uh, से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं द फर्स्ट इज़ हीमोगबिनोपैथीस दिस इज़ दी एबनॉमलिटीज और डिजीज ऑफ हीमोग्लोबिन्स इसमें समटाइम्स हीमोग्लोबिन्स का एबनॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है समटाइम्स uh, जैसे सिकल्स एल एनीमिया में हमने देखे थे आर बी सी के साइज साइज शेप्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता सेम एज सेम एज हैपन विद दी हिमोग्लोबिन ऑल्सो हिमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एंड शेप चेंज हो जाता है दैट दैट कॉल दी हिमोग्लोबिनोपैथीस जेनेटिकिजीज लाइक फीटल इन्फेक्शन स्पेशली टॉर्च टॉर्च टाइप के अगर कुछ इन्फेक्शंस डायग्नोज uh, होते हैं पेशेंट को अगर मिलता है अगर मिलता है सोनोग्राफी uh, करने के बाद कि पेशेंट इज हैविंग दी टॉर्च लाइक टोक्सोप्लिक टोक्सोप्लाजमिक डिजीजेस लाइक साइटों में गलो वायरसिसक हर्प इज सिंपलैक्स दिस इज द मीनिंग ऑफ टॉर्च ओनली ना एंड अदर देर आर अदर डिजीजीज अदर ऑर्गेनिजम कम्स इन द टॉर्च आर लाइक रुबेला एंड लाइक नाउ डिस जीका वायरस इज ऑल्सो कम्स अंडर द टॉर्च इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टॉर्च ऑल्सो एंड नेक्स्ट फॉर दी इंट्रा यूट्राइन फ्यूटल हाइपोक्सिया अगर बेबी को इनसाइड द यूट्रस किसी प्रकार का uh, um, सांस लेने में दिक्कत हो रही है प्रॉब्लम्स हो रही है तो इन लेट प्रेगनेंसी अक्सर ऐसा होता है लेट प्रेगनेंसी मीन्स आफ्टर द नाइन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी देर इज़ नॉट इनफ स्पेस इन दॉम बिकॉज बेबी सफिशेंटली ग्रो कर चुका है तो उसको स्पेस नहीं मिल पाता है या फिर वो स्टूल पास कर देता है बिकॉज वो कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है एक बेबी बन चुका है वो अब उसको आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट किसी किसी वुमेन को बिकॉज ऑफ़ अनसर्टन ईशूज़ वुमेन को नॉर्मल ट्रू लेबर पे नहीं आता है तो ट्रू लेबर पे नहीं आने के कारण मदर को डिलीवरी नहीं हो पाती है तो ऐसे कंडीशन में बेबी तो फुली मैक्चर हो चुका है ना उसको निकालना जरूरी है तो डैट वी कॉल द लेट प्रेगनेंसी इसको मोर देन नाइन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को विकम्स अंडर द लेट प्रेगनेंसी ऐसे सिचुएशंस में मदर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेबी को स्पेस नहीं मिलता है और मेकोनियम पास कर देता है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो हाइपोक्सिस वाले हाइपोक्सिया वाले सिचुएशन आ जाते हैं सांस नहीं ले पाता है बेबी तो कभी कभार बेबी का इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो जाता है तो दिज आर दी एबनॉर्मेलिटीज जो मिलती है इन दिस टाइप ऑफ केसेस वी डू दी कॉर्डोसेंटिसिस सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी कॉर्डोसेंटिसिस नेक्स्ट वी विल सी दी कोरियोनिक वाइस बायोप्सी